हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 को लेकर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर जो है दो अपडेट जारी किए हैं, जिसमें पहला अपडेट जो है क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर है, दूसरा अपडेट जो है आपके लिए गुड न्यूज है, तो वो भी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे बिना देर करते हुए सबसे पहली अपडेट तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 को रिजल्ट को लेकर जो है इस वक्त की सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर आ रही है, वो अपडेट ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है स्कूलों को टाइम दिया था इससे पहले रिजल्ट को फाइनल करने के लिए, वो 22 जुलाई का समय दिया गया था, लेकिन देश भर के स्कूलों ने रिजल्ट को 22 जुलाई तक प्रिपेयर ना करने की बात जो है सीबीएसई बोर्ड से कही। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने उनको जो टाइम दिया है नेक्स्ट टाइम जो है एक्सटेंड करते हुए, यानी 22 जुलाई की डेट को एक्सटेंड करते हुए 25 जुलाई कर दिया, यानी देश भर के स्कूल जो है 25 जुलाई को उन्हें समय दिया गया है, यानी 25 जुलाई तक देश भर के स्कूल जो है क्लास 12 के मार्क्स को फाइनल करके सीबीएसई बोर्ड के पास भेजेंगे। तो ऐसे में सिर्फ खबरें इतना ही नहीं है, सीबीएसई बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक जो है 31 जुलाई तक रिजल्ट भी देना होगा। तो ऐसे में जो स्कूल है 25 जुलाई तक वो मार्क्स को सबमिट करेंगे, तो सीबीएसई बोर्ड 5 दिन में रिजल्ट को जो है कैसे प्रिपेयर कर पाएगी, ये बड़ी बात है जो है सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे आ रही है। यानी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल जो है एक तरफ रिजल्ट को बना नहीं पा रहे हैं जल्दी से जल्दी, और वहीं दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है 31 जुलाई से पहले सीबीएसई बोर्ड को रिजल्ट को जारी करना था। यानी सीबीएसई बोर्ड पर जो है डबल डबल प्रेशर आ चुके हैं, एक तरफ क्लास 12 रिजल्ट को लेकर प्रेशर है, वहीं दूसरी तरफ क्लास 12 के रिजल्ट को भी जल्दी से जल्दी बनाने का प्रेशर है। तो क्लास 12 रिजल्ट को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड ने डेडलाइन जो है स्कूलों को 25 जुलाई तक कर दिया। वहीं दूसरी खबर जो है क्लास 12 के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, सीबीएसई बोर्ड को भी ये लगने लगा है कि स्कूल जो है 22 जुलाई तक अगर मार्क्स को कंप्लीट नहीं कर पाए तो ऐसे में उन्हें जो 25 जुलाई दी गई थी उसमें भी जो है कुछ स्कूल ऐसे होंगे जरूर कि जो मार्क्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए अच्छी खबर ये है कि उन स्कूलों के कारण जो है क्लास 12 की हर एक बच्चों को नहीं रुकना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड ने जो है सर्कुलर में साफ साफ इस बातों को भी मेंशन किया है कि इन केस जो है 25 जुलाई तक जो है देश भर के अगर कोई भी स्कूल जो है मार्क्स को सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उन स्कूलों को जो है सीबीएसई बोर्ड जो है अलग से सेपरेटली रिजल्ट जारी करेगी, यानी कि 31 जुलाई के बाद उनका एक अलग से रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी 31 जुलाई तक सीबीएसई बोर्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है रिजल्ट किसी भी हालत में जारी करना है, तो सीबीएसई बोर्ड वेट नहीं करेगी उन स्कूलों का जो 25 जुलाई तक मार्क्स को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एक अच्छी खबर यह है कि उन स्कूलों के कारण जो है देश भर के सभी बच्चों को नहीं रुकना पड़ेगा, यानी जिन जिन स्कूलों ने 25 जुलाई तक जो है पूरी कंप्लीट इवोल्यूशन करके सीबीएसई बोर्ड को दे देंगे उनका रिजल्ट जो है सीबीएसई बोर्ड 31 जुलाई तक जारी कर देगी। हम बात कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो आपको जो है रिजल्ट को लेकर कुछ और बातें बता दूं। सीबीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो सीबीएसई बोर्ड की साइट जो है अक्सर स्लो हो जाती है, तो क्रैश हो जाती है। तो ऐसे में एक ऐप के बारे में बताने वाला हूं, इस ऐप के माध्यम से जो है आप अपने रिजल्ट को सबसे फास्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर सर्च करना है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2021। जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर जो है आपका ऐप निकल के आएगा, यहाँ पे ब्लू कलर का लोगो होगा, वहां पर आप लोग देख लेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके जो है आपको सिंपली जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा जो है आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे जो है रेटिंग आपसे बोलेगा, तो रेटिंग जो है आपको यहां पे 5 स्टार रेटिंग दे देनी है और नीचे जो है आपको लिखना है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2021, उसको सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग इसको सबमिट करेंगे तो सिंपली जो है आप आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है पेज आपके सामने निकल के सामने आएगा। यहां पे देखेंगे 10th रिजल्ट 2021 और 12th रिजल्ट 2021, यानी सीबीएसई बोर्ड जैसे ही 10th का रिजल्ट जारी करेगी या 12th का रिजल्ट जारी करेगी तो सबसे पहले जो है इस ऐप के माध्यम से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगी, और यहां पे जो है 10th पे क्लिक करके क्लास 10 के रिजल्ट जो है सबसे पहले आप लोग यहां पे चेक कर पाएंगे, 12th के साथ जो है यहां पे क्लिक करके सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तो खाना काफी ज्यादा सिंपल, इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली जो है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले जो है आप लोग यहां पे एक्सेस कर पाएंगे एनी डिले। 12 को लेकर हम आगे भी लगातार बने हुए हैं, जैसी कोई और अपडेट आएगी तो उन अपडेट को हम सबसे पहले आप तक लाएंगे। क्लास 12 के रिजल्ट के रिगार्डिंग या आपके एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा तो उन अपडेट को हम सबसे पहले आप तक लाएंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार अपडेट्स हम इसी तरीके से प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद।